जब भी ट्रेडिंग की बात होती है ना, तो प्राइस एक्शन का नाम तो आपने सुना ही होगा। प्राइस एक्शन एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा ज्ञान है जो इसके बिना ना आप ट्रेडिंग में सक्सेस होना तो मतलब बहुत टफ होता है, आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए जो है आज हम लोग प्राइस एक्शन की बेसिक चीज़ें समझने वाले हैं। जब भी प्राइस एक्शन का नाम लिया जाता होगा तो हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, भाई ये प्राइस एक्शन है क्या, ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये हर एक चीज़ मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, प्राइस एक्शन होता क्या है। अगर मैं सिंपल सी आपको बताऊँ ना कि प्राइस सेक्शन क्या होता है, तो ये समझ लो कि प्राइस सेक्शन मतलब एक प्लेन चार्ट में जब आप ट्रेडिंग करते हो, प्राइस को आप जो है एक प्रेडिक्ट करते हो कि प्राइस किधर जाएगा, किस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, बिना किसी इंडिकेटर की मदद से, बिना किसी जो है टेक्निकल इंडिकेटर की मदद से, एकदम प्लेन चार्ट में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होता है जिसकी मदद से जो है ना आप ये प्रेडिक्ट करते हो, ये अनुमान लगाते हो कि प्राइस जो है ना किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब आपको इसमें किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर का यूज नहीं करना, एकदम चार्ट एकदम प्लेन होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कुछ भी यहाँ पे लगाना ही नहीं, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। और सिर्फ जो है ये सारी चीज़ों की मदद से, जो मैंने बोला कि जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, डिमांड सप्लाई हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों को देख करके आप एक एस्टिमेट लगाते हो, एक अनुमान लगाते हो, एक जो है उम्मीद करते हो कि प्राइस जो है इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन। इसमें जो पहला पॉइंट होता है ना वो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो उसको हम लोग समझने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो सारी चीज़ें मैंने जो यहाँ पे लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी बुकों को स्टडी करने के बाद जो है मैंने जो निचोड़ निकल करके आया है, मतलब ये बोल सकते हो कि समुद्र मंथन करने के बाद जो अमृत निकल करके आया है, वो मैं यहाँ पे परोसने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एकदम थोड़ा सा भी आप स्किप मत करना, हो सकता है कौन सी चीज़ें ऐसे मिस कर जाए जिससे आपको चीज़ें समझ में ना आए। तो आप बिल्कुल एकदम ध्यान से चीज़ों को देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर आपने ध्यान से देखा ना तो 100% चीज़ें समझ में आएगी। देखो प्राइस सेक्शन में जो पहला जो कंटेंट होता है, पहला जो टॉपिक होता है, पहला जो पॉइंट होता है, यहाँ होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने जरूर सुना होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो एडवांस चीज़ें होता है ना वो मैं बताने वाला हूँ। देखो मैंने काफ़ी सारी बुक को स्टडी करने के बाद मैं ये चीज़ें देने वाला हूँ, ठीक है, जो अभी करंट में मार्केट चल रहा है। ठीक है, आपको मैं बताऊँ ना कि देखो जब तक आप एजुकेशन नहीं लोगे, जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, तब तक जो है इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। ठीक है, एजुकेशन इज द थिंग्स दैट मेक्स यू द सक्सेस इन ट्रेडिंग मेरे दोस्त। सिर्फ एजुकेशन ही है, ठीक है, सिर्फ आपके पास जो नॉलेज है ना, जो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा प्रैक्टिस करने से, वही जो है ट्रेडिंग में आपको सक्सेस करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दो चार वीडियो देख लो, ठीक है, आप कामयाब हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आप वीडियो से देख करके आप नॉलेज लो, उसको प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, जब तक जो है आप चार्ट के ऊपर जो है टाइम नहीं बिताओगे, तब तक जो है आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, आप अपने आप में ना कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे। तो आपको जो है ना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है चार्ट के साथ बिताना पड़ेगा। देखो मार्केट ये बोलता है ना कि आप मुझे टाइम दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे चार्ट को ना, तब तक आपको ना चीजें 100% क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा चार्ट के साथ, तभी जाकर के आप ट्रेडिंग से पैसे बना पाओगे। सोचो लोग दिन भर मेहनत करता भाई, ठीक है, 8 से 10 घंटे मेहनत करता, तब जाकर के 500-1000 रुपये कमाता है, और आप सोच रहे हो कि सिर्फ चार्ट पे बैठ करके, ठीक है, आधे घंटे 1 घंटे में मैं जो है आराम से 10,000-20,000 पैसे बना लूं। तो इसके लिए सोचो कि कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितने मेहनत करने पड़ेंगे, कितने प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर के वो चीज़ होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा, 100% होगा, ये 100% हो सकता है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगा। इसलिए चार्ट के साथ आप टाइम बिताओ, जब तक आप टाइम नहीं बिताओगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगा। चाहे आप हजारों वीडियो देख लो, किसी को भी, आप किसी भी वीडियो देख लो भाई, जब तक आप चार्ट के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होने वाला। तो मैं जो भी बताऊंगा उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और आप कॉपी में नोट डाउन करो, हर एक चीज़ों को नोट डाउन करो अपने नोटबुक में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, इसमें जो पहला पॉइंट है प्राइस सेक्शन का, जो पहला पॉइंट है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि भी जो बिगिनर्स होता है ना उसको भी पता होता है। भाई एडवांस वाले की तो बात ही अलग होती है, लेकिन जो बिगिनर्स होता है ना उसको भी पता होता है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं जो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जो है एकदम गहराई से समझने वाले, बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। क्योंकि देखो लोगों को ना ये जो होता है ना, जो प्राइस सेक्शन का जो पहला पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये जो होता है ना लोगों के
बेसिक चीजें पता होता है, एडवांस वाली चीजें पता नहीं होता है। मतलब कौन सी लेवल जो होता है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, कौन सी की लेवल होता है, कौन सी लेवल काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहां से जो है मार्केट की मूवमेंट की चांसेस होता है, मतलब जो है अपनी दिशा को बदलने की चांसेस होता है। तो वो सारी चीजें हम लोग आज समझने वाले। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, इस चार्ट में देखिए आपको नजर क्या आ रहा है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ना कि ऊपर जो है ना तीन जो पॉइंट है, जहां से जो है मैंने यहाँ पे सर्किल किया है, वो पॉइंट से देखिए चार्ट कर क्या रहा है। आप देखेंगे ना कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, वहां से जाकर के मतलब रिजेक्ट होकर के नीचे आ जा रहा है। मतलब वहां से क्या हो रहा है कि भाई एक ऐसा जगह है जहां से, मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है, एक ऐसा की लेवल है जहां से मार्केट जा तो रहा है वहां पे, लेकिन वहां से क्या हो रहा है कि रिजेक्ट करके मतलब जो है वहां से वापस आ जा रहा है। ठीक है, तीनों पॉइंट को मैंने यहां पे क्या कर दिया, सर्किल कर दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग बिल्कुल समझने वाले हैं। देखिए ऊपर मार्केट गया, फिर वहां से रिजेक्ट होकर के मतलब जो है वहां से फिर वापस आ गया नीचे, ठीक है, फिर जो है पूरा कसरत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर यहां तक गया, फिर क्या हुआ कि रिजेक्ट होकर के यहां से जो है लौट करके वापस फिर नीचे गिर गया, फिर क्या हुआ कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद जो है क्या हुआ कि फिर यहां पे गया, और जैसे ही यहां पे गया फिर रिजेक्ट होकर के नीचे गिर जा रहा है। तो मतलब ये है भाई, यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि ये जो है ना कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, कहीं ना कहीं यहां पे कोई बाहुबली बैठा हुआ है ना। कौन बैठा हुआ? बाहुबली बैठा हुआ है, जो इसको जो है ना पार नहीं होने दे रहा है, मतलब इस पॉइंट को जो है ना इसके ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। तो मतलब ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो ऊपर वाला जो लेवल होता है ना उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जो करेंट प्राइस, जो करेंट पे जहां पे मार्केट मूव करता है, उसको जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है ना उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। मतलब जहां पे करेंट मार्केट अभी रन कर रहा है, ठीक है, उसके जो है ना ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, ठीक है, करेंट जो मार्केट चल रहा है, ठीक है, आपको जो एक बार में जो नजर आता है ना चार्ट, ठीक है, एक जो स्क्रीन में नजर आता है, तो उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट वो होता है रेजिस्टेंस। मतलब ये समझो कि प्रेजेंट में जो मार्केट जहां पे चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में जहां पे मार्केट चल रहा है, उसके जो सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट होता है, हाईएस्ट जो पीक वाला जो पॉइंट होता है, जहां से बार बार मार्केट जो है रेजिस्ट होकर के, ठीक है, नीचे गिर जा रहा है, बार बार रिजेक्ट होकर के नीचे गिर जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। और नीचे गिर करके जहां से मार्केट उठ रहा है, बार बार सपोर्ट लेकर के जहां से उठ रहा है, देखो नीचे से यहां से दो बार सपोर्ट लेकर के ऊपर उठ गया, मतलब यहां पे जो नीचे जो दो पॉइंट ना वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, की लेवल है, जहां से मार्केट ना ऊपर क्या हुआ है चला जा रहा है। और जो ऊपर जो तीन पॉइंट है जो मैंने सर्किल किया है, देखो यहां से मैं एक जो है एक बॉक्स बना दे रहा हूं, ठीक है, रेक्टेंगल लेकर के, ठीक है, आप सिंगल लाइन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना बॉक्स ही बनाओ, रेक्टेंगल ही बनाओ, रेक्टेंगल उठा करके जो है, क्योंकि ये जो है ना एक जोन की तरह काम करता है, ठीक है, एक क्षेत्र होता है, एक जंक्शन होता है भाई, एक स्टेशन होता है, स्टेशन मतलब समझ रहे हो ना, जहां पे बस जाती है ना तो वहां पर रुकती है बस, मतलब जो कि एक ऐसा जगह है जहां से ना कि वहां पे पैसेंजर पड़ा हो, वहां से जब तक उठाएगा नहीं भाई तब तक कुछ नहीं हो सकता, वहां पे मार्केट को रुकना ही है, मतलब बस को रुकना ही है, ट्रेन को वहां पे रुकना ही है उस स्टेशन पे, ये चीज समझ लो। इसको आप जो है सिंगल लाइन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप बॉक्स कहीं यूज करो, आप रेक्टेंगल कहीं यूज करो, ठीक है, सिंगल लाइन से बढ़िया रहेगा, ठीक है, आप बॉक्स का यूज करो। क्योंकि देखो होता क्या ना कि आप जब सिंगल लाइन से उसको जो है आप ड्रॉ करोगे, उस लेवल को जो है मार्क करोगे, तो होता क्या है कि मार्केट ना एक जोन में काम करता है, ठीक है, आप सिंगल लाइन का आप उम्मीद करो कि भाई मार्केट यहां पे आएगा, पता चला कि उसके ऊपर से ही या फिर उसके नीचे से ही मार्केट मूव कर गया, तो वैसे सिचुएशन में आप इंतजार करते रहोगे और वो आपके साथ दगाबाजी करके चला जाएगा, है ना, ऐसा होता है। इसलिए जो है आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि जब भी आप मार्क करो ना तो बॉक्स का यूज करो, रेक्टेंगल का यूज करो, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा मैं यहां पे जो है उस पॉइंट को जो यहां पे लिख दे रहा हूं, नोट डाउन कर दे रहा हूं, आप भी अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने समझा कि भाई सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट होता है, क्योंकि वहां से मार्केट की ना डायरेक्शन बदलने की उम्मीदें होती है, चांसेस होती है, पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। और दूसरा जो है हम लोगों ने सीखा कि सपोर्ट जो होता है ना हमेशा जो है करेंट मार्केट प्राइस, CMP मतलब होता है करेंट मार्केट प्राइस, मतलब वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जहां पे मार्केट चल रहा है उससे सबसे नीचे वाला लेवल होता है, ठीक है, जहां से जो है मार्केट बार बार उठता है, उठता मतलब सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, राइट। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जहां पे करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है, उस प्राइस से रेजिस्ट होकर के मतलब वहां से जो है टकरा करके नीचे गिरता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जहां से जो है मतलब इट इज ऑलवेज फाउंड अबव द करेंट मार्केट प्राइस, जहां से जो है करेंट मार्केट प्राइस चलता है उसके हमेशा ऊपर वाला लेवल, जहां से जो है मार्केट, जहां से देखो जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखने की कोशिश करना, वहां से मार्केट बार बार जो है नीचे की ओर आता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते थे, ये अभी तक हम लोगों ने सीखा है। और देखो
सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हर एक लोग यही चाहता ना कि भाई हम जो है कम प्राइस में खरीदे और ज़्यादा प्राइस में बेचे, तभी तो आपको फायदा होगा ना। मान लो कि आप टमाटर खरीद रहे हो, तो टमाटर जो है आप 50 रुपये किलो खरीद रहे हो और आप 80 रुपये में बेचोगे, तभी तो फायदा होगा ना। 30 रुपये के आपको पर केजी के हिसाब से 30 रुपये का आपको फायदा हो रहा है। तो यही यहाँ पे ट्रेडिंग में भी होता है कि आप यह सोचोगे कि सपोर्ट से जो है मुझे बाई करके और रेजिस्टेंस पे जैसे ही जाएगा तो वहाँ पे सेल करना, तभी तो आपको फायदा होगा ना। मतलब बाई लो और सेल हाई, ये स्ट्रेटेजी काम करता है, ठीक है। मतलब अभी तक हम लोगों ने ये जो है 4 पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी तक हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। अब इसके आगे जो है हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब देखो इसी चार्ट को देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ से लोगों ने क्या किया, बाई किया। बाई जैसे ही किया तो जब बायर आता है मतलब वहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाता है। फिर नीचे आया तो फिर क्या हुआ, फिर लोग बाई करने लगा तो फिर मार्केट ऊपर गया। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब जो हम लोग समझेंगे ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे बनता है और कहाँ कहाँ वाला जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो मार्केट बेसिकली क्या होता है भाई, मार्केट या तो जो है एक रेंज में चलेगा, मतलब एक रेंज बाउंड हो जाएगा, मतलब एक जो है ना एकदम सीधा सीधा चल रहा है, सीधा सीधा मतलब जो है एक रेंज बना करके साइडवेज में चल रहा है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंडिंग मतलब या तो ऊपर जाएगा मार्केट या तो फिर नीचे आएगा। ये तीन केसेस होता है मार्केट के केस में, ठीक है ना। ये तीन स्थितियां होती है। पहला स्थिति में क्या होता है कि मार्केट साइडवेज होता है, दूसरा स्थिति में क्या होता है कि वो अप ट्रेंड में हो सकता है, तीसरा स्थिति में क्या हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में हो सकता है। तो तीनों केसेस में हम लोग देखेंगे कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो हम लोग जो वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे करेंगे, मतलब अगर अप ट्रेंड रहेगा तो वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर डाउन ट्रेंड रहेगा तो वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, और अगर जो है मार्केट साइडवेज रहेगा तो वैसे सिचुएशन में हम लोग जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑलरेडी आपने समझ चुका है। अब हम लोग समझेंगे कि देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना साइडवेज में जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, कैसे उस लेवल को मार्क करना है जहां से जो है मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है और जहां से जो है बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। अब देखो इस चार्ट को आप ध्यान से देखने की कोशिश करना और आप समझने की कोशिश करना। पहले वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, आप देखोगे कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। देखो यहां पे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करने के पीछे भी यहां पे रीजन है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप ना सिंगल लाइन ड्रॉ करोगे तो मैक्सिमम टच आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम टच मतलब जहां पे ज्यादा ज्यादा मार्केट टच करे, इसलिए मैंने यहां पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करने से क्या होगा कि मैक्सिमम टच आपको मिलेगा। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मैंने यहां पे ड्रॉ किया, साइडवेज में मैं देख रहा हूं, ठीक है, एक ट्रेंडिंग मार्केट में मैं नहीं देख रहा हूं, एक साइडवेज मार्केट में देख रहा हूं। यहां पे बार बार क्या हो रहा है कि यहां पे देखो बार बार क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैक्सिमम टच मिलना चाहिए। जब भी आप सपोर्ट ड्रॉ करो ना तो आपको कोशिश ये करना है, खास करके साइडवेज की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब भी आप जो है सपोर्ट ड्रॉ करो या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करो तो आपको मैक्सिमम टच मिलना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको टच होना चाहिए, तो वो आपके लिए जो है ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर ट्रेडिंग हो तो ट्रेडिंग में भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट जो है आगे हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि साइडवेज में कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया है, जो कि मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने बॉक्स का यूज किया और यहाँ पे मैंने से भी मार्क कर दिया। देखो यहां से मार्केट उठा है ना, तो यहां पे भी सपोर्ट बना, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है ना मतलब साइडवेज में जो होता है मतलब रेंज बाउंड होता है ना, तो वैसे सिचुएशन में सपोर्ट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। देखो यहां पे जहां जहां मैं मैंने मार्क किया ना भाई, ये जो है क्या मार्केट वहां पे आ रहा है फिर ऊपर उठ रहा है, मतलब वहाँ पे आ रहा है गिर रहा है फिर वहाँ से ऊपर उठ रहा है, वहाँ से गिर रहा है फिर ऊपर उठ रहा है, मतलब इस तरीके से क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट ले रहा है मतलब नीचे तो मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई वहाँ पे बाहुबली बैठा है उसको नीचे जाने ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब आप खुद समझ सकते हो कि भाई मार्केट तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा शख्स है जैसे बाहुबली वहाँ पे बैठा हुआ है जिसको मार्केट को ना नीचे जाने ही नहीं दे रहा, जब भी जा रहा है तो भाई ऊपर उठा दे रहा है, मतलब जब भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन क्या हो रहा है कि उस पॉइंट पे जो है उस लेवल पे है कहीं ना कहीं जो है बड़े बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, कि उसके नीचे उसको जाने ही नहीं दे रहा, मतलब कोई ना कोई बाहुबली बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है बार बार मार्केट को जो है ऊपर धक्का दे रहा है, मतलब उसके नीचे जाने ही नहीं दे रहा, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वहां से मार्केट को उठा दे रहा है, मतलब होता ना कि गेंद जो है वहां पे जा रहा है लेकिन बार बार वहां से उछल करके फिर ऊपर की ओर चला जा रहा है। इसका मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे जो है काफी मतलब काफी तगड़ा यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब एक बाहुबली बैठा हुआ है जो उस लेवल से मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो ये होता ना जो हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किया है, जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसलिए जो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बोलेंगे। ये बेसिकली जो है रेंज बाउंड मार्केट में यूज होता है, ठीक है। तो ये होता है साइडवेज में। आप लोग जो रेजिस्टेंस को देखेंगे, ठीक है ना, देखो यहाँ पे भी ऊपर वाला पार्ट को देखो सिर्फ, ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है ना जो मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे घेर दे रहा हूँ, देखो इस पार्ट को आपको देखना है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है, और आप इसको समझने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, आप देखो कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसा लेवल है, कौन कौन ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार रजिस्ट कर रहा है। रजिस्ट मतलब जो है वहाँ से ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है, कोई ना कोई वहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, कोई ना कोई वहाँ पे बाहुबली बैठा हुआ है कि उस पॉइंट से
सुपरमार्केट को जाने ही नहीं दे रहा है। जब बार बार किसी एक लेबल से ना, किसी एक जोन से बार बार मार्केट जब रिजेक्ट होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी खतरनाक लेबल होता है, याद रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। और वहाँ से अपनी मार्केट अपनी रुख बदल सकता है, अपनी दिशा को बदल सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एरो से मार्क किया है, देखो ये जो तीनों है ना, यहाँ पे बार बार मार्केट ऊपर उठ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि फिर नीचे गिर जा रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है एक बड़ा बाहुबली बैठा हुआ है, ठीक है, बड़ा यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है कि इसके ऊपर मार्केट को जाने ही नहीं दे रहा है। इसलिए मैं इसको जो है इस पॉइंट को ना यहाँ पे सर्किल से घेर दे रहा हूँ, कट करे मैं बंद कर दे रहा हूँ, ताकि आपकी नजरें एकदम इसी के ऊपर पड़े, है ना। तो देखो अभी तक हम लोगों ने समझा भाई कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है रेंज बाउंड मार्केट में, जहाँ से ना मार्केट जो है बार बार रिजेक्ट होता है, ठीक है, मार्केट बार बार जो है वहाँ से वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा है, ठीक है। देखो अपने जो है साइडवेज मार्केट में जो है अपने लेबल्स को ड्रॉ करने सीख गया, ठीक है, अपने जो है रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने सीख गया, उसको जो है कैसे मार्क करने है अपने सीख गया। लेकिन भाई इसका फायदा क्या है, इसका भाई इसका जो है ड्रॉ करने का, भाई अपने जो है ड्रॉ करने तो सिखा दिया, लेकिन इसका फायदा क्या है भाई, ठीक है, इससे माल बनेगा कि नहीं बनेगा? जब तक माल नहीं बनेगा तब तक माल कैसे आएगा, है ना। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है, 100% माल बनेगा। देखो जब तक जो माल नहीं बनेगा तब तक यार माल कैसे आएगा, जब तक माल नहीं आएगा तो फिर मजा कैसे आएगा। देखो मैं मजाक कर रहा हूँ यार, बीच बीच में मजाक होना चाहिए। अगर लगातार जो है 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो होती है, अगर आप देखते रहोगे तो बोर हो जाओगे। जैसे होता ना कि मूवी आप देखते हो भाई, 2 घंटे की मूवी देखते हो, तो बीच बीच में क्या होता है कि आइटम सॉन्ग आते रहते हैं, ताकि आप जो है इंटरटेन होते रहते हो, आपको बोर नहीं होते, ठीक है। इसलिए जो है बीच बीच में मैं ऐसे डाल देता हूँ। खैर कोई बात नहीं, जो मेन पॉइंट होता है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, देखो यहाँ पे बार बार क्या हुआ कि भाई रेजिस्टेंस जो इस पॉइंट से ना बार बार जो है रजिस्ट ले रहा था, रजिस्ट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर वहां से टकरा करके नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर टकरा करके नीचे गिर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा बाहुबली बैठा हुआ है, बड़ा सेलर बैठा हुआ है, जिसको मार्केट को भाई ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली देखो मार्केट जो है टकरा करके नीचे ही आया है कि नहीं आया? आया है। अब आपको करना क्या है, आप ऐसे ही जो है सपोर्ट को ड्रॉ करो जहां पे मल्टीपल टचेज मिले, ठीक है, आप उसको देखो, उसके बाद जो है मार्केट हुआ क्या, ठीक है, मतलब ज्यादा चांसेस होता है, एक पॉसिबिलिटी होती है, एक उम्मीद होती है। देखो मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है, 100% कुछ नहीं होता है। मार्केट ना ट्रेडिंग खास करके सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है, सिर्फ पॉसिबिलिटी के ऊपर काम करता है, राइट। तो यहां पे देखो आपको क्या करना है, आपने जो है चार्ट ओपन करो, वहां पे देखो कि जहां पे बार बार रेजिस्टेंस मार्केट बना रहा है, ठीक है, वहां से क्या मार्केट क्या किया है, आप देखो चार्ट में देखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जहां पे बार बार रेजिस्टेंस जो है लिया है उसके बाद मार्केट किया क्या है, जहां पे बार बार जो है सपोर्ट लिया उसके बाद मार्केट क्या किया है, क्या हुआ, ऐसे जब बार बार आप देखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और ये बहुत जरूरी है। आप जब तक देखो, मान लो कि यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, वीडियो आपने देखा, उसके बाद जो है आपने आपको यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिला, तो वो चीज़ें आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए आप जाओ चार्ट ओपन करो, वहाँ पे प्रैक्टिस करो कि ये चीज़ें काम कैसे करता है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे, राइट। तो चलो अभी तक हम लोगों ने देखा रेंज बाउंड मार्केट में जो है, मतलब साइडवेज मार्केट में किस तरीके से हम लोग जो है सपोर्ट ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मार्केट करता क्या है। आपको ये खुद से भी प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर के आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो यहां पे मैं थोड़ा सा फिर से क्लियर कर देता हूं। देखो सबसे पहले जो मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था, हायर हाई बनाता जा रहा था। हायर हाई जब भी बनाता ना, तो क्या होता है कि मार्केट वो अप ट्रेंड में होता है। हायर हाई मतलब हाई के ऊपर हाई बनाता है और लो के ऊपर लो बनाता है, ठीक है ना, लो के ऊपर लो बनाता है, हाई के ऊपर हाई बनाता है और लो के ऊपर लो बनाता है, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, याद रखना, ठीक है। अब क्या देखो मार्केट जो है पूरा अप ट्रेंड में था पहले, उसके बाद जो क्या हुआ कि रेंज बाउंड हो गया, मतलब जो एक साइडवेज में देखो मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, मतलब उस जोन को ना तोड़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है वहां पे कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट लेवल है कि उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। अब देखो हुआ क्या, बार बार जो यहाँ पे जो है कसरत कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उसके बाद जो है मार्केट क्या हुआ कि साइडवेज को जैसा ही तोड़ा, उसके बाद जो है मार्केट ऊपर की ओर गया है, ठीक है ना। तो देखो साइडवेज के बाद ना, जब भी साइडवेज बनता है तो उसके बाद मार्केट की चांसेस होती है कि काफी तगड़ा मूवमेंट करेगा, याद रखना जो मैं बातें बोल रहा हूँ। साइडवेज जब भी बनता है ना, तो उसके बाद मार्केट की चांसेस होती है कि भाई उस जोन को जैसे ही तोड़ेगा ना, तो काफी खतरनाक मूवमेंट होने के चांसेस होता है। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है भाई आपके माइंड में, दो चीजें हो सकता है कि भाई जैसे ही साइडवेज को मार्केट तोड़ेगा तब बताओ मेरे दोस्त कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इसके पीछे भी एक लॉजिक, एक बहुत बड़ा लॉजिक है। देखो हमारी क्लासेस होती है, एकदम एडवांस लेवल की क्लासेस होती है, आप हमारी क्लासेस में ज्वाइन करके जो है आप जो है सीख सकते हो कि मार्केट जो है किस तरीके से काम करता है, कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होता है, हर एक चीज आपको सिखाया जाता है। तो हमारी क्लासेस में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आपको सबसे पहले डेमो क्लासेस भी दिया जाता है। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहां पे हर एक चीज आपको सिखाया जाता है, राइट। अब हम लोग चलते हैं, देखो इसके ये जो मैंने बात बोला ना कि भाई मार्केट जो है ना जब रेंज बाउंड यानी कि
कंसोलिडेट करता है, उसके बाद जो जब मार्केट तोड़ता है, मतलब मार्केट जब मूव करता है तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसका आंसर जो है आपको एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। क्योंकि अगर जो है आपको पता है कि भाई मार्केट अभी साइडवेज बना रहा है, इसके बाद जो है ना बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट मूव करने वाला है, तो पहले से आप पोजिशन बना करके बैठोगे। लेकिन जब आपको पता रहेगा तब ना भाई कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, ये चीज़ें कैसे पता चलेगा, इसके लिए भाई आपको एक बार मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। हमारी क्लासेस होती है, उसको आप अटेंड करो, मास्टर क्लासेस, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ सिखाया जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई कि मार्केट पूरा अप ट्रेंड में था, उसके बाद साइडवेज में आ गया, साइडवेज में आने के बाद जो है पूरा मार्केट जो है ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे ना हम लोगों ने साइडवेज को देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साइडवेज में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मैंने सर्किल से ड्रॉ कर दिया है। ये साइडवेज में है, साइडवेज में सपोर्ट, ऊपर वाला पार्ट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को सपोर्ट बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। बार बार जहां से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है ऊपर से, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहां से नीचे सपोर्ट ले रहा है उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये चीज सीख लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके एक जो है पाथ ड्रॉ करके इसलिए मैंने दिखा दिया, क्योंकि आपको एक बार देखोगे ना चीजें तो आपके जो है जहन में एकदम परफेक्टली बैठ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा दिया। ऊपर वाले पार्ट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, देखो बार बार वहां से जो है रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर मार्केट नीचे गिर जा रहा था, और नीचे जो है बार बार सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जा रहा था। अब देखो अब हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, हम लोगों ने साइडवेज में सीख लिया है। अब हम लोग चलेंगे ट्रेंडिंग मार्केट में। सबसे पहले समझो कि ट्रेंडिंग मार्केट होता क्या है। साइडवेज मतलब देखो एक जो है ना एक रेंज में जब मार्केट जो है घूमता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। और अगर जो है हाई के ऊपर हाई बनाता है और लो के ऊपर लो बनाता है, देखो मैं जो बातें बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना, हाई के ऊपर हाई और लो के ऊपर लो बनाता है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड, मतलब हायर हाई, मतलब हाई के ऊपर हाई, ठीक है, और लो के ऊपर लो बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। और अगर अब डाउन ट्रेंड की बात किया जाए तो इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अप ट्रेंड में। देखो अप ट्रेंड में देखो ध्यान से देखोगे, यहां से क्या हुआ कि मार्केट जो सपोर्ट लेकर फिर ऊपर उठ गया, ठीक है ना। इस पॉइंट से देखो यहां पे कहीं ना कहीं डिमांड है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, एक की लेवल है, ठीक है, ये मतलब काफी खतरनाक लेवल है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई बाहुबली बैठा हुआ है कि यहाँ से जो है मार्केट पहले देखो नीचे पुल बैक ले रहा था, मतलब मार्केट थोड़ा सा गिर रहा था छोटे टाइम के लिए। देखो मार्केट कभी ना एकदम जो है पतंग की तरह ऊपर नहीं जाता भाई, एक चीज आपने भेजे में डाल लेना, ठीक है, ये अपने जो है एकदम जहन में बैठा लेना कि मार्केट जैसा ऐसा नहीं होता है कि भाई मार्केट एकदम सीधा ऊपर चला जाए या फिर एकदम सीधा नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होता। देखो थोड़ा सा ऊपर उठता है फिर गिरता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है फिर गिरता है, ऊपर उठता है फिर थोड़ा सा गिरता है फिर ऊपर उठता है, फिर ऐसा ही मार्केट होता है। अगर डाउन ट्रेंड में तो क्या होगा कि मार्केट गिरेगा, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठेगा, गिरेगा फिर थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ऐसा ही मार्केट चलता है, मार्केट के नियम होता है। कभी मतलब ऐसा नहीं एकदम स्ट्रेट ऐसा चला, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक सपोर्ट, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने जो है मार्क भी कर दिया है। अब देखो इसी चीज को हम लोग चलते हैं चार्ट में, इस चार्ट को देखो ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ से क्या मार्केट सपोर्ट लिया है, उसके बाद मार्केट ऊपर उठा है, ठीक है ना, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया फिर मार्केट ऊपर उठा है। देखो यहाँ पे मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोर्ट कहाँ से लेकर के मार्केट ऊपर उठा है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि कौन सी लेवल जो है ना काफ़ी खतरनाक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, या इसके लिए जो है हमारी मास्टर क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। लेकिन बस यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है भाई, अभी जो है अभी प्रेजेंट में ये सीखो कि ये भाई यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, डायनेमिक सपोर्ट बना रहा था, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर उठ रहा था, ठीक है ना। ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड इसलिए क्योंकि हाई के ऊपर हाई बना रहा है और लो के ऊपर लो बना रहा है, ठीक है, हाई के ऊपर हाई बना रहा है और लो के ऊपर लो बना रहा है, इसको हम लोग डायनेमिक सपोर्ट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर आप इतना समझ ले रहे हो ना तो भाई समझो कि बहुत सारी चीजें आप समझ ले रहे हो मेरे दोस्त, ठीक है। बस आप क्या करो, बस देखते रहो चीज़ों को, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, 100% आपके लिए आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, कोई मतलब समझो कि इतना हार्ड वर्क नहीं है, इतना हार्ड चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ देखो, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना किसी भी सेक्टर में, बार बार प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भाई कौन कौन सी जो है यहाँ पे कौन कौन सी जगह है जहाँ से जो है मार्केट जो है सपोर्ट लेकर ऊपर रहा है। देखो यहाँ से ऊपर उठा फिर थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा फिर थोड़ा सा नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे गिरा, ठीक है ना। कभी देखो ऐसा हो रहा है कि रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, नहीं जाता भाई, रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाता मार्केट, ऊपर उठा फिर नीचे गिरा, ऊपर उठा फिर नीचे गिरा, ऐसा ही मार्केट के सिद्धांत है कि ऊपर जाएगा फिर थोड़ा सा नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा फिर थोड़ा सा नीचे गिरेगा, ऐसा ही मार्केट चलता है। ऐसा नहीं कि मतलब रॉकेट की तरह एकदम ऊपर उठ जाए, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भाई डायनेमिक सपोर्ट कौन होता है और वो जो है ना किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो वो अभी आपको मार्किंग करना है। देखो इसमें ट्रेड कैसे करेंगे ना, उसके लिए जो हम लोग बाद में समझेंगे, उसके लिए हमारी क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप सीखो, ठीक है। ट्रेडिंग करने तो हम लोग लास्ट में समझेंगे, ये जो है ना
अब सबसे पहले बेसिक चीजें आपको समझो, ठीक है ना। अभी अगर आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया है तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको छोटे छोटे अस्त्र शस्त्र को सीखो, तभी आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड का वो कब कहलाता है भाई? डाउन ट्रेंड जब लो के नीचे लो बनाता है, ठीक है, और हाई के नीचे हाई बनाता है, मतलब ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, देखो पहला वर्ड ही इसमें आ रहा है लोअर, ठीक है ना। लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना मतलब लो के नीचे लो बना रहा है, लो के नीचे लो बना रहा है, लो के नीचे लो बना रहा है, हाई के नीचे हाई बना रहा है, हाई के नीचे हाई बना रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस, मतलब वहां से मार्केट टकरा रहा है फिर नीचे गिर रहा है, टकरा रहा है फिर नीचे गिर रहा है, टकरा रहा है फिर नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये जो ना काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, काफी की लेवल है, काफी तगड़ा लेवल है। यहाँ पे कोई ना कोई बाहुबली बैठा हुआ जिसके ऊपर जो है मार्केट को जाने ही नहीं दे रहा है, ठीक है, वहां से फिर टकरा करके नीचे गिर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक इंपॉर्टेंट लेवल, अभी चार्ट को देखो, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर यहाँ से काफी खतरनाक गिरा है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर काफी खतरनाक गिरा है, ठीक है। इस तरीके से देखो कि काफी जो है ना, आप जो है मार्केट इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर काफी जो है यहाँ पे काफी तेजी से मार्केट गिरा है। तो इस तरीके से जो है लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ठीक है, मार्केट बनाते हुए पूरा नीचे की ओर आया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरीके से जो है ना रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो जो रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में होता है ना। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं कि भाई अप ट्रेंड में कौन सी लेवल जो है मतलब इंपॉर्टेंट होता है, रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है कि सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ज्यादा जो है पावरफुल होता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा पावरफुल होता है, ये जो है ना आपको खुद से डिसाइड करना और मुझे कमेंट में बताना है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड रहे तो रेजिस्टेंस ज्यादा पावरफुल होता है कि सपोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहे तो मोर पावरफुल कौन होता है, मतलब इन अप ट्रेंड विच इज मोर पावरफुल, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और डाउन ट्रेंड में कौन जो है सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। बस आपको अगर आप इसको समझ गए ना तो 100% आपके लिए जो है ना चीजें जो है फायदेमंद होने वाला है, लेकिन ये आपको समझना है। और ये जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, अब देखो बार बार प्रैक्टिस करो, बताओ आप एनालाइज खुद से करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो वहां सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है, ठीक है, खतरनाक वही होता है जो मार्केट को, ठीक है, परास्त कर देता है ना। मतलब कहने का मतलब भाई अगर दो लोग लड़ रहा है और जो है पहला अगर दूसरे को हरा दे रहा है तो सबसे पावरफुल कौन हुआ? पहला हुआ, क्योंकि वो दूसरे को हरा दे रहा है। उसी तरीके से देखो कि डाउन ट्रेंड में सबसे जो इंपॉर्टेंट कौन है और अप ट्रेंड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। यहाँ पे देखो मैं फिर से अलग अलग ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक बार मैं रिकैप करा दे रहा हूँ ताकि आपके भेजे में एकदम बैठ जाए। देखो डाउन ट्रेंड में जो है यहाँ पे मैंने डायनेमिक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है और अप ट्रेंड में मैंने यहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट ड्रॉ किया है। देखो डाउन ट्रेंड में क्या होता भाई कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से बनाते हुए मार्केट आ रहा था, ठीक है। सिंपल सी अगर बोला जाए डाउन ट्रेंड की पहचान ही यही है कि लो के नीचे लो बनाएगा। डाउन ट्रेंड मतलब, ट्रेंड मतलब क्या होता है भाई, एक दौर, ठीक है ना, और डाउन मतलब नीचे जाने की दौर चल रहा है, ठीक है, मतलब समझो कि लो के नीचे लो बना रहा है, हाई के नीचे हाई बना रहा है। देखो हाई था, ये लो था, इसके नीचे लो बना, ठीक है, हाई के नीचे हाई बना, इसलिए जो है डाउन ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अप ट्रेंड में क्या हुआ कि यहाँ पे हायर हाई बना रहा था, इसके ऊपर अब नेक्स्ट जो हाई बनेगा ना इसके ऊपर हाई बनेगा, और नेक्स्ट जो लो बनेगा इसके ऊपर ही बनेगा, मतलब हाई से पहला वर्ड ही यहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहा है, एच से मतलब हायर, ठीक है, मतलब अप ट्रेंड मतलब ऊपर जाने के ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड मतलब एक होता है दौर, जैसे फटा हुआ जींस, ठीक है, बेल बटम हुआ, अमिताभ बच्चन वाला दौर आपको याद होगा ना, तो भाई हर एक चीजों का एक दौर होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रेंड होता है, ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। और साइडवेज में क्या होता है, ना तो हाई के ऊपर हाई बनाएगा ना तो लो के ऊपर लो बनाएगा, मतलब एक रेंज में बनता हुआ चलता है। लेकिन अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड क्या होता है कि एक के नीचे एक या फिर एक के ऊपर एक चलता है, ऐसे होता है। तो आपको तो ये चीजें समझ में आ गया कि भाई अप ट्रेंड कब होता है, डाउन ट्रेंड कब होता है, ठीक है, और साइडवेज कब होता है, ये तो पता चल गया। और ये मैंने क्लियर क्लियर लिख भी दिया है, साइडवेज मतलब एक रेंज बाउंड में मार्केट होता है, वहां पे हाई के ऊपर हाई नहीं बनता है, लो के नीचे लो नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन जब भी ट्रेंड की बात किया जाए, मतलब डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड की बात किया जाए, डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि लो के नीचे लो बनता है, अप ट्रेंड में क्या होता है कि हाई के ऊपर हाई बनता है। इतना अगर आप समझ गए, समझो ट्रेंड आप पकड़ने समझ गए। अब यहां पे देखो अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में आपको देखना है कि सबसे पावरफुल कौन होता है, सपोर्ट पावरफुल होता है कि रेजिस्टेंस पावरफुल होता है। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पावरफुल होता है ज्यादा या फिर रेजिस्टेंस पावरफुल होता है, उसी तरीके से, ठीक है, आप अप ट्रेंड में देखना है कि कौन पावरफुल ज्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आप देखो ट्रेंडिंग मार्केट में ना आपको ये देखना है कि भाई कौन किसको हरा रहा है,
ठीक है, अगर अप ट्रेंड है तो कौन किसको हरा रहा है, कौन किसको तोड़ रहा है, डाउन ट्रेंड में है तो कौन किसको तोड़ रहा है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अभी तक हम लोगों ने साइडवेज में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं हम लोगों ने सीख गया, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो भी हम लोगों ने सीख गया, ठीक है, और कौन किसको जो है तोड़ता है और कौन इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये आपको जो है कमेंट में बताना है, देख करके समझ करके आपको बताना है। अब देखो कभी कभी ऐसा होता ना भाई कि जो है ना बाप बेटा बन जाता है, बेटा बाप बन जाता है मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। मैंने इसलिए ऐसे बोला कि बाप बेटा बन जाता है, बेटा बाप बन जाता है, क्योंकि आपको ना डायरेक्टली ये चीजें समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यही रेजिस्टेंस जो है आगे चल करके सपोर्ट बन गया है, मतलब ये जो यहाँ पे बाप था और आगे चल करके यही जो है बाप बेटा बन गया है ना। अब देखो होता क्या है कि भाई ऐसे सिचुएशन में ना ऐसे मार्केट में आपको देखने को मिलता है और वो भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी ना बहुत ही मतलब समझो कि एक बेंचमार्क रोल प्ले करता है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इस जो मैंने पाथ यहाँ पर ड्रॉ किया इसको आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है। देखो ऊपर बार बार क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, जो मैंने यहाँ पे एरो से मार्क किया वहां से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, मतलब वो रेजिस्टेंस पॉइंट है, वो की लेवल है, ठीक है। वहां से बार बार मार्केट जो है गिर रहा था, रिजेक्ट होकर के नीचे आ रहा था, उसके बाद जो है वही रेजिस्टेंस ना मतलब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और वही रेजिस्टेंस आगे चल करके सपोर्ट बन गया, मतलब ये जो है ना बाप बेटा बन गया है, राइट। अब देखो ये जो है ना वही जो है ना सेम जोन था जो वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा था, वही यहां पे लग रहा क्या हुआ, सपोर्ट लिया, मतलब यहां से जो है मार्केट ऊपर की ओर गया है, मतलब वही रेजिस्टेंस जो है ला करके सपोर्ट बन गया, तो ऐसा भी होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहां पे इस चार्ट को देखो, ध्यान से देखोगे आप, देखो यहां पे समझने की कोशिश करोगे कहां पे जो है रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बन गया, ध्यान से देखो आपको नजर आ रहा है, उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए यहां पे मैंने रेक्टेंगल लिया, एक बॉक्स लिया और इस जोन को मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहां से थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके यहां पे दिखा देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको झलकियां दिखा देता हूं, ऐसे आपको बहुत सारी चीजें आगे तक भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना छोटे से पॉइंट को मैं ड्रॉ करके एक रेक्टेंगल से यहां पे मैं बॉक्स लेता हूं। और आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो कोशिश ये करते हैं जब भी वो साइडवेज में हो या फिर मतलब कंसोलिडेट कर रहा हो, ठीक है, चाहे छोटे से एरिया में कर रहा हो चाहे बड़े से एरिया, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम टचेज हम लोगों को मिले। यहाँ पे मैं आपको जो है मार्क भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं रेक्टेंगल से मैं मार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ना चीजें क्लियर दिखे, ठीक है। और जब भी हम लोग रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि मैक्सिमम टचेज होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा टचेज होना चाहिए, ठीक है। अगर सिंगल टच भी रहता तभी वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लेकिन अगर ज्यादा टच है तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, खास करके साइडवेज में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है एक बार रेजिस्ट किया था, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, फिर ये जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। देखो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ सर्किल की तरह से, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी जो है रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ किया काम किया था, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, ठीक है, मतलब तीन बार रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। उसके बाद जो यही रेजिस्टेंस जो है यही जोन जो है बाद में सपोर्ट बन गया, और सपोर्ट बनने के बाद देखो मार्केट ऊपर गया है। तो कहने का मतलब ये होता है ना कि कभी कभी रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट और कभी कभी ऐसा होता है कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, मतलब बाप बेटा बन जाता है, बेटा बाप बन जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, चीज़ों को समझना है और प्रैक्टिस करना और काम करना है। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझा, ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो मार्केट पहले से गिर रहा था, उसके बाद जो है ना जैसे ही गिर रहा था तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर वहाँ से जो है टकरा करके नीचे गया, ठीक है, फिर ऊपर उठा, फिर टकरा करके नीचे गया, ठीक है, मतलब एक जो है एक इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्ट होकर के नीचे जा रहा है, फिर नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ से टकरा करके फिर नीचे गिरा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर तो गया, ठीक है, ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद जो है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट बन गया, ठीक है ना, देख रहा हूँ ना, यहाँ से सपोर्ट बन करके ऊपर गया। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, इसको भी आपको मद्देनजर रखना है, इसको भी अपने जहन में डाल करके, इसको भी अपने खोपड़ी में डाल करके रखना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझा, प्राइस सेक्शन के जो बेसिक वाला जो पॉइंट था, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से लेवल इसमें इंपॉर्टेंट होता है, डायनेमिक सपोर्ट कैसे बनता है, ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, हर एक चीज़ हम लोगों ने समझा है। और एक मैंने टास्क दे रखा है, एक मैंने आपका होमवर्क दे रखा है, वो है कि अगर जो है ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो है अगर अप ट्रेंड रहेगा तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड रहेगा तो सबसे पावरफुल कौन होता है, ये आपको समझना है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, मतलब बाप बेटा बन जाता है, बेटा बाप बन जाता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो आज जो है बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अपने साइड से समझाने की कोशिश की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो आपको प्राइस सेक्शन की समझ होना ही चाहिए। प्राइस सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे खतरनाक होता है, सबसे जो तगड़ा होता है, वो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं रहेगा ना, और एडवांस वाली चीज़ें इसमें भी अभी हमने जो है हर एक चीज़ नहीं बताया, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और गहराई में जाकर के बताऊंगा, लेकिन
मैंने ऑलमोस्ट जो है मोर देन 50% बता दिया, लेकिन जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, याद रखना, ठीक है। आप जो है कमेंट मुझे जरूर करना, ठीक है, जो मैंने आपको टास्क दिया है। बाय द वे थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच वंस अगेन।